गाइस देखो काफ़ी रात हो गई यार और बारिश भी हो रहा है। 9:57 हुई यार, फिर भी अभी लोग ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं। सो गाइस दोस्त लोग भी देखो रेनकोट पहनने के लिए, थोड़ा बारिश होने वाला, ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा तेज बारिश होगा। तो सो गाइस कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस हम लोग अभी सुबह उठे हैं, करीब 5 बजे उठे यार, बट लेट हो गया नहाने खाने में, क्योंकि गैस लग रही थी और वॉइस लग रही था, थोड़ा सा लेट हो यार। और हम लोग यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है, जो कि बस से जाना पड़ेगा वहाँ, गौरीकुंड बस से तो हम लोग को बस करना पड़ेगा। वैसे फिलहाल बस के लिए पीछे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, हम आपको दिखाते कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। वैसे थोड़ा सा ठंड यहाँ पे है, ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होगा, इसलिए भैया लोग बोले यहाँ का स्वेटर वेटर ले लेना, और वैसे बरसात का भी संभव होगा ज़्यादा, इसलिए हमको रेनकोट भी लेना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम रेनकोट लेने जाएंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ का भीड़, बहुत ही लंबा भीड़ लगा हुआ है। गाइस ये चेक करो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ऊपर तक लाइन लगा हुआ है, सिर्फ बस के लिए या टेकर के लिए। तो सो गाइस हम आपको लाइन दिखा दिया कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, बट कोई नहीं, हमको भी लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि बीच में अलाउ नहीं है घुसने का, इसलिए हमको भी लाइन लगना पड़ेगा। और वैसे फिलहाल मैं अभी जाता हूँ रेनकोट लेने के लिए, क्योंकि रेनकोट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है, संभावना ज़्यादा रहता है, इसलिए हमको लेना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त लोग पीछे लाइन लगे हुए हैं, तो हम भी अभी जाता हूँ, पहले लेता हूँ अपना रेनकोट, उसके बाद लाइन में लगता हूँ, उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर जाएंगे बस से, अभी जो भी टेकर होता है, उसके बाद फिर वहाँ से 16 किलोमीटर। तो चलो पहले ले लेते हैं रेनकोट। कैसे दे रहे भैया रेनकोट, खोल के दिखाओ, 100 रुपये के लाइक है कि नहीं? अच्छा ये गैस, ये देखो यार 100 रुपये का रेनकोट है, लग नहीं रहा कि 100 रुपये का रेनकोट है, बट तो लेना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि ऊपर बारिश का संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो गैस फिलहाल हम रेनकोट ले लिए, उसके बाद जाते हैं अपने दोस्त के साथ लाइन में लगते हैं, उसके बाद हम लोग बस से निकलेंगे गौरीकुंड, उसके बाद वहाँ से 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो चलो लाइन में लगते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गैस फिलहाल अभी हम लाइन में लगे, मेरे दोस्त लोग पीछे हैं, जैसे फिलहाल मेरे दोस्त लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हेलो करो यहाँ पर। कैसा महसूस हो रहा लाइन में लगने के लिए, कैसा लग रहा है? मेरे को तो चढ़ाई करनी है, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, हो जाएगा कोई नहीं, नाम लेना। तो गाइस फिलहाल अभी हम भी लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। टोटल 5 किलोमीटर यहाँ से हम लोग को, जो या क्या ट्रक है जो भी बस है, तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से गौरीकुंड? गौरीकुंड आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। कितना किलोमीटर वहाँ से, कितना किलोमीटर वहाँ से? 18। तो गाइस जैसे सर ने बताया कि यहाँ से हम लोग को 5 किलोमीटर ट्रैक चलती है, और यहाँ बस जो भी चलता है वहाँ जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, वहाँ से उसके बाद वहाँ से 16 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना दूर लाइन लगा, बहुत ज़्यादा लाइन लगा, आपको पीछे दिख रही है कितना लंबा लाइन है, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितना लंबा लाइन है। ये देखो यार कितना लंबा लाइन है, यहाँ से करीब वहाँ तक बहुत लंबा लाइन लगना पड़ रहा है। और आपको अब ऊपर देखो यार, अभी ऊपर कितना ओस है, आई मीन बादल रहता है, समझ रहे ऊपर जाकर कितना ठंडा लगा। तो सो गाइस हम लोग का यही रहा, आई मीन जो टैक्सी टाइप का है, स्कॉर्पियो टाइप का, वो मिल गया है, यहाँ से 50 रुपये लगेंगे पर पर्सन। चलो बोलो हर हर महादेव। तो सो गाइस हम लोग निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं गौरीकुंड में। एक क्लास में पढ़ती, 1 क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास। तुम्हारे पास टोटल कितनी लाठियाँ हैं? तुम्हारे पास टोटल कितनी लाठियाँ हैं? डंडा। कैसे दे रही हो? हाँ मेरा नहीं है। तो किसका? ये कौन है, तुम्हारी फ्रेंड है ये? आपका लाठी कहाँ? ओके, तो आप इनके साथ काम क्यों कर रहे हो, और आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा ऊपर हैं। तो ले लूँ अभी? ले लो। पैसे आपको दे रहे हैं, उनको देने हैं? तो गाइस आपने देखा कितना छोटी सी बच्ची है, और ये लाठी बेच रही है, पढ़ाई भी करती है और लाठी भी बेचती है, आई मीन लाठी भी सेल करती है। हम लोग उससे इंस्पायर होना चाहिए, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में काम भी कर रही है, ऊपर से लाठी भी सेल कर रही है, तो गाइस इससे तो इंस्पायर बनता है यार। तो सो गाइस हम लोग को यहाँ से 16 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से केदारनाथ जो मंदिर है मेन मंदिर, वहाँ जाना पड़ेगा 16 किलोमीटर पैदल, और हमने लाठी भी ले लिया, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसे यूज भी करेंगे। सो गाइस ये देखो यहाँ पे 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग को पैदल 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से पैदल 16 किलोमीटर, मिलते हैं ऊपर। ₹50 मैगी। ओए अंकल 50 रुपये। और क्या रखते हो?
सो गाइस मैगी बन के आ गया यार। देखो मैगी 10 की मैगी 50 में मिल रही है। अगर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो और मैगी मिल गई, इसलिए अगर कभी भी आप आओ तो नीचे मिला जो भी कुछ मिले खा लो यार, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना महंगा मिलेगा आपको। 10 की मैगी 50 में खाना पड़ रहा है। तो गाइस हम लोग काफ़ी ऊपर आए, करीब 5 या 6 किलोमीटर ऊपर आ गए। तो अंकुर भाई कैसा फील है बताओ? बहुत बढ़िया फिलहाल, तो सोच रहे हैं वापस। भाई हम लोग का जो बैग है ना काफी भारी है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप ही देखो ये बैग लिया है नवाब है। अरे यार हम लोग उस टाइम हम उसका बैग लिए थे ना कोमल का। ऐसा नहीं होता है भाई, हम एक सजेशन देंगे यार, कभी भी मतलब केदारनाथ आओ तो 16 किलोमीटर पैदल जब चलोगे ना तो एक लाठी जरूर लेना यार, क्योंकि बहुत कम्फर्ट फील होगा अगर लाठी लोगे तो। बूढ़ा भी लगोगे, अगर लाठी नहीं लोगे ना तो हालत खराब हो जाएगा, इसलिए लाठी लिया करो। क्या विचार है वाटरफॉल में स्नान करेगा? पागल नीचे गौरीकुंड में मस्त पानी था यार। उधर गर्म था, इधर थोड़ा ठंडा, धूप भी है, स्नान करेगा तो कर ले, नंगा होना पड़ेगा, वो नहीं देख रहे हो। सो गाइस थोड़ा सा रेन आने वाला है यार, बारिश आने वाला, हम सोच रहे हैं रेनकोट पहन ले क्योंकि काफी अच्छा बारिश होने वाला है, सोच रहे कि रेनकोट पहन ले। वैसे ये लड़की देखो रेनकोट भी पहन लिए, पूरी जादू लग रही है। अब मेरे को भी पहनना पड़ेगा। तो गाइस कैसे लग रहे कमेंट में जरूर बताना यार, बट कोई नहीं जैसे भी लग रहे रेनकोट जरूरी यार, आप कभी भी आना तो रेनकोट जरूर लेना। तो सो गाइस हमने रेनकोट भी पहन लिया क्योंकि थोड़ा सा बारिश होने वाला है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है ऊपर जाते समय और ज़्यादा बारिश होगी, तो इसलिए आप भी रेनकोट लेना कभी भी आना। तो सो गाइस दोस्त लोग भी देखो रेनकोट पहनने, क्योंकि थोड़ा बारिश होने वाला है, ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा तेज बारिश होगा। मणिकांत भाई तुम बहुत हार्ड लग रहा है, हमें चाहिए धूप, अब हमको चाहिए धूप। गाइस रेनकोट लेना कभी मत भूलना यार, कभी भी आना तो रेनकोट जरूर लेना यार, क्योंकि रेनकोट बहुत जरूरी है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी बारिश ना भोसरे का बारिश स्टार्ट हो गया। तो गाइस मैं दोबारा बोल रहा हूँ यार, रेनकोट जरूर लेना कभी आना, क्योंकि अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है, अब ऊपर जाते समय बहुत ही गंदा बारिश होगा। सो गाइस देखो काफी लोग यहाँ पे रेनकोट पहन लिए, जो रेनकोट नहीं पहने वहाँ पे खड़े हैं यार, रेन कभी भी आना तो रेनकोट ले लेना यार। ये हमको दिखा दो यार ब्लॉग में। भाई रेनकोट नहीं लिए तुम लोग? ले रहा भी है, ले रहा। ओ चलो ठीक है भाई। तो गाइस अभी बाहर काफी बारिश हो रहा है यार, देखो आप चेक करो बारिश हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये चेक करो। बट कोई नहीं, 8 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे, तो चलो रास्ते में मिलते हैं, बड़ा मजा आ रहा है यार। गाइस देखो काफ़ी रात हो गई यार और बारिश भी हो रहा है, 9:57 हुई यार, फिर भी अभी लोग ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं, हर एक रास्ता में घोड़ा मिल रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कहीं भी अगर आपको लगे ऐसा लगे कि हम ज़्यादा थक गए तो आप घोड़ा बुक कर सकते हो। सारे लोग रेनकोट पहने हुए हैं, मैं तो हाफ गया यार। तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं क्योंकि मेरा 6 दोस्त है जो ऊपर है 2.5 किलोमीटर आगे, हम लोग को काफ़ी ठंड लग रहा था और इसलिए क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का टेंट। सो गाइस ये देखो टेंट, काफ़ी अच्छा टेंट है, हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए। तो कैसा महसूस हो रहा ब्रो? थका थका महसूस हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, कोई मेरा पैर दबा दे जल्दी से। कोई है नहीं भाई, देख ये अगर मैं पैर नहीं दबाया तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, एक आदमी नहीं सब्सक्राइब करवाना है तो पैर दबाना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, गुड नाइट, सी यू। सो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो यार। अभी के बजे हैं 7:34 यार टाइम, तो हम लोग निकलने वाले हैं अगले 3 किलोमीटर के सफ़र में। अभी हम लोग कैंप से बाहर आ गए हैं क्योंकि यार अभी हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए क्योंकि अगर हम लोग पहले नहीं जाएंगे तो हम लोग को मंदिर का दर्शन नहीं हो पाएगा, केदारनाथ का जो दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइन लगना पड़ता है, तो काफ़ी भीड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट स्टॉपेज बेस कैंप है, हम लोग थोड़ा सा थक गए तो सोच रहे चाय वाय पी लेते हैं, वैसे फिलहाल हम चाय लिए हैं, 3 लोग का हैं। तुम चाय नहीं पिएगा क्या अंकुर? चाय नहीं पिएगा? गाइस ये देखो यार थोड़ी सी ब्रेकफास्ट, अब इसे टेस्ट करते कैसा है। स्वाद बताओ।
₹5 के पार्ले जी, 5 का मेरे ख्याल से 3 का होगा, 10 का है रे। नहीं रेट, इसका रियल रेट क्या है? रियल रेट 5 है और ये 10 में दे रहे हैं। अस्काइम हो रहा है हम लोग के साथ। गाइस टेस्ट सही है, अच्छा लग रहा है, ₹20 लग सही लग रहा है। गाइस हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं केदारनाथ मंदिर की ओर। तो गाइस फिलहाल मैं चॉपर के पास आ गए हैं जहाँ हेलीकॉप्टर लगती है। अभी देखो हेलीकॉप्टर वहाँ से आ रही है। अगर आपको जाने में तकलीफ हो, मतलब यहाँ से बाबा जाने में तकलीफ हो, मंदिर तो भी 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 600 या 1 किलोमीटर आगे है मंदिर। अगर यहाँ से आपको तकलीफ होता जाने में, चलने में दिक्कत होता, तो आप चॉपर कर सकते हो। तो देख लो चॉपर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। ये देखो गाइस इधर से हेलीकॉप्टर आ रही है। अगर आपको जाने में तकलीफ होता, आई मीन पैदल नहीं जा सकते हो, तो आप हेलीकॉप्टर बुक करके जा सकते हो। ये अच्छी सुविधा दी गई है यार। सो गाइस काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है यार। हम लोग मंदिर के करीब है, मेरे सामने मंदिर है, काफ़ी लाइन लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। ये देखो दर्शन करने के काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने रूम में। देखो मेरा दोस्त सानू क्या लिया, रूम लिया है या फिर टेंट लिया है। अभी जाते हैं वहाँ पर, फ्रेश होते हैं। फिलहाल ये देखो मैं हम लोग का रूम, ये बंदी देखो आ रही, लेट गई, दर्शन नहीं करना तुमको। गाइस देख लो रूम यार, थोड़ा सा ₹500 में ठीक यार। अगर कल लेते तो हम लोग को ज़्यादा महंगा पड़ता, करीब 1500 पड़ता ना सानू। हाँ 1500 रुपया पर बेड, बट हम लोग को सस्ता पड़ गया 500 रुपया। वैसे भी हम लोग को कल सुबह ही गुजारना, उसके बाद कल सुबह निकल जाना। गाइस अभी का करीब टाइम 4:23 हुआ है। तो अभी केदार बाबा का जो गेट खुला है, मेन गेट कुछ देरी पहले बंद थी, जैसे ही गेट खुला यार देखो कितनी भीड़ उमड़ गई है, काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, हर हर महादेव। सुबह मैं 10 बजे आया था, उस टाइम अपने टेंट में गया, नहाया धोया थोड़ा सा, यार थके हुए थे, लेट से पहुँचे, 2 दिन लग गया हमको पहुँचने में, 2 दिन 1.5 दिन लग गया पहुँचने में। मैं उस टाइम रेस्ट किया, उसके बाद अभी का टाइम करीब 4:51 हुआ यार, 4:51 हुआ। तो मेरे को अभी टाइम मिला, अब बीच में बारिश भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, क्योंकि थके बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। तो गाइस चलिए मैं आपको मंदिर का आगे का लोकेशन, आगे का व्यू दिखाता हूँ, और जो भीमशिला पत्थर है मैं उसे भी दिखाता हूँ कितना बड़ा है। चलिए गाइस यही भीमशिला पत्थर यार, इसके कारण ये मंदिर बची थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी किस साइड से आया था। पानी ये दिख रहे हो आप सामने, इस साइड से पानी आई थी। इतना ख़तरनाक बात है कि यहाँ पे जितनी सारी बस्तियाँ थी सब बर्बाद हो गई थी। तो सो गाइस मेरे दोस्त लोग पूजा कर लिए यार, उनको 2 मिनट लगा पूजा करने में, मतलब आई थिंक कर ही लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे क्यों ना आगे बढ़ें। भैरव बाबा के मंदिर शायद आपको उस ऊँचाई पर दिख रहा होगा, आपको हर ब्लॉग में केदारनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, बट भैरव बाबा का मंदिर कोई नहीं दिखाता यार, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा। भैरव बाबा का अगर मंदिर आप जाओगे तो अलवर भंडारा करके एक भंडारा यहाँ मिलता है, आप खाना खा सकते हो अगर किसी को भूख लगी है जो में रास्ते में, क्योंकि यार रास्ते में आपको खाने का कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए भंडारा का व्यवस्था किया गया। गाइस ये भंडारा में पूड़ी है, और ये दाल है, और चावल है, और ये खीर है। भैया कब से कब लगती है टाइमिंग इसका क्या है? 9:30 से 2:30 तक। तो गाइस आपने टाइमिंग जान लिया, अगर आपको कभी भूख लगे, जो ऊपर जो चढ़ते हैं क्या नाम है, भैरव बाबा कभी चढ़ोगे अगर भूख लगे तो लंगर आके खा लेना। 6 से 9 बोलो, शाम को 6 से 9 जी अंकल, और सुबह 10 से 2। थैंक यू अंकल। तुम लोग कब आए यहाँ पे? 5 साल पहले 2 साल पहले। देखे इस लड़की को, बात करने का तमीज नहीं इसमें, सबसे अच्छी है। देखो 5 मिनट हुआ ना, यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है भैरव बाबा का मंदिर का, काफ़ी ऊंचा यार। तो गाइस फाइनली मंदिर पहुँच गए यार। ये देखो भैरव बाबा का मंदिर आपको दिखा होगा, काफ़ी ऊंचा है यार, हालत ख़राब हुआ चढ़ने में, बट कोई नहीं गाइस इतना ऊँचा है, फिर भी यहाँ भी काफ़ी भीड़ है यार। फाइनली गाइस मेरे को पानी पीने का मिल गया यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, उसके बाद मंदिर इंटर करता हूँ। ये देखो भैरव बाबा का मंदिर कितनी ऊंचाई पे है यार, केदारनाथ का मंदिर ये देखो, और हम लोग कितना ऊंचाई पे आ गए। भैरव बाबा का मंदिर काफ़ी ऊंचा है यार,
यहाँ से व्यू देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शांति भी है, कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं। ये देखो काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग। सो गाइज फाइनली भैरवा का मंदिर का भी दर्शन कर लिया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक्साइटमेंट बहुत अच्छा था यार, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना खुशी मिला, शायद लाइफ में कभी ऐसा खुशी मिले या ना मिले, बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का अभी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो लोकेशन है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा। और यहाँ का वेदर हमेशा अच्छा रहता है यार, कभी ठंडा कभी गर्म, मतलब हल्की हल्की गर्म रहती है, ठंडी यहाँ हमेशा रहती है, अच्छा लगता है। उत्तराखंड का पहाड़ियों में हर एक इंसान को अच्छा लगा, किसको नहीं अच्छा लगा यार, और वैसे पहाड़ियों का मज़ा ही कुछ और यार। तो गाइस फाइनली मैं सब कुछ दिखा दिया हूँ आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।